पहले बात जमशेदपुर की, जहां उलीडी में परमजीत सिंह गिरोह के शातिर बदमाश गुड्डू पांडे के घर पर गुरुवार की रात अपराधियों ने ताबड़तोड़ 15 राउंड फायरिंग की। स्कूटी और बाइक से पहुंचे 6 अपराधियों ने पहले सड़क पर फायरिंग कर गुड्डू पांडे को चुनौती दी, फिर उसके गेट पर फायरिंग की। बाद में गेट तोड़कर अंदर घुस गए अपराधी और जिस कमरे में गुड्डू पांडे अपने साथी के साथ बैठा था वहां फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में गुड्डू पांडे के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने मौके से 11 खोखा बरामद किया है। अपराधियों के पास से राउंडर पिस्टल के अलावा देसी कट्टा भी था। सभी के हाथों में हथियार थे। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में ओलेडी थाना अंतर्गत संजय पथ न्यू सुभाष कॉलोनी में करीब 3 बाइक पे 6 अपराध कर्मियों द्वारा गुड्डू पांडे के घर पे गोली चलाई गई, जिसमें 2 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है। और जो अपराध कर्मी हैं उनमें से 4 अपराध कर्मियों की अभी तक पहचान की जा चुकी है और उनकी छापामारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया और अभी छापामारी की जा रही है। कारण क्या है? ये आपसी रंजिश का मामला है, आपसी दुश्मनी के चलते इन दोनों में गोली चलाई गई। पहले ये दोनों ही जो ग्रुप मतलब जिनकी पहचान हुई है और जिसपे गोली चली है, दोनों पहले अमरनाथ गिरोह से इनका संबंध रहा। और चलिए हम जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मनोज, ये गैंग वॉर है और गैंग वॉर को लेकर पहले भी पुलिस ये कहती रही है कि एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस अभियान का असर ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। हालांकि 5 अपराधी जरूर गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन ऐसी वारदातें लोगों में दहशत पैदा कर रही हैं। बिल्कुल आरती, अगर देखा जाए तो जिस तरह से घटना कल शाम में घटी है, उसके बाद आपका देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों में तो इस घटना को लेकर भयभीत तो लोग जरूर हैं और दहशत का तो जरूर माहौल है, क्योंकि मानगो का क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है कि अपराधियों का बोलबाला हमेशा देखने को मिलता है। और इसी कारण का नतीजा है कि कल देखिए आपका एक, हालांकि वो जो गुड्डू पांडे है उसका घर पर जो अपराधियों ने गोली चलाई है, अनाधूर गुड्डू पांडे भी अपराध जगत से जुड़ा हुआ है और जो भी गोली चलाया है उसी गुट के जो लोग हैं, आपका गुड्डू पांडे के गिरोह का ही गुट के लोग हैं, जो कुछ बातों को लेकर कुछ चीज़ों को लेकर नाराजगी भी थी और इसी को लेकर रंजिश में आकर गुड्डू पांडे के घर में गोली चलाया है। अनाधूर गोली आप आरती देख सकते हैं कि आपका सीसीटीवी में साफ तौर से दिख रहा है कि अपराधी बेखौफ होकर अनाधूर गोली चला रहे हैं और गुड्डू और घर को घर के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसे हैं और घर के में जाकर गोली चलाए हैं। तो हालांकि गुड्डू पांडे के आपका इस घटनाक्रम में जांग में गोली जरूर लगा है, जिसके बाद उसको जीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से मनोबल अपराधियों को बढ़ाया है तो कहीं ना कहीं बेखौफ हो गए हैं अपराधी और कहीं और इस पुलिस को चुनौती पर चुनौती दे रहे हैं। एक गैंगवार की घटना आप जरूर कह सकते हैं, गैंगवार इस तरह की कई घटनाएं जमशेदपुर में हो चुकी है, उसके बावजूद भी पुलिस कहती है जरूर है कि आप इस मामले में हम लोग काफ़ी गंभीरता से देख रहे हैं, अपराधियों को धरपकड़ कर रहे हैं, फिर भी अपराधी देख सकते हैं कि आपका सरेआम पिस्टल बंदूक लेकर घूमते हैं और पुलिस एक नाकाम रहती है इनको पकड़ने में। तो कहीं ना कहीं जरूर सवाल पुलिस पर जरूर उठता है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से इस मामले को लेकर अभी तक देखा जाए तो दोनों गुट के लोगों को 5 लोग को हिरासत में लिया है और 5ों लोग से पूछताछ कर रही है। इस घटनाक्रम में जो अपराधी गोली चलाने आए थे उनको भी हाथ में एक गोली लगी है, उसके बाद 3 अन्य साथी से जो साथ में उसको भी पुलिस गिरफ्तार की है। इस मामले में सिंटू सिंह जो नाम है आया है वो मेन गोली चलाने में और मेन रोल अदा कर रहा था, उस वो अभी फरार है पुलिस की नज़र से, उसके लिए छापामारी पुलिस कर रही है, जगह उसके जितने तमाम जो जगह है वहाँ पर छापामारी कर रही है। तो अब देखना यह है कि उसकी की गिरफ्तारी कब होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो आर्थिक वाकई में ये दिल दहलाने वाली और लोगों को भयभीत करने वाली घटना है, क्योंकि जिस तरह से गैंगवार हो रहे हैं और अनाधून गोली चला रहे हैं बस्ती में जाकर लोग अपराधी, तो कहीं ना कहीं लोगों में पुलिस पर भी सवाल उठता है और अपराधी तो बेखौफ तो हैं ही, और इस पर देखना है तो कि आगे पुलिस क्या कुछ करती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो 5 लोगों को गिरफ्तारी हुई है, ऐसे कई अपराधी हैं जो बेखौफ होकर शहर में घूमते रहते हैं, पिस्टल लेके घूमते रहते हैं,
तो कहीं ना कहीं जो पुलिस को चाहिए कि देखिए आपराधिक वारदातें जो बढ़ी हैं, अगर पुलिस ने ठोस कदम नहीं उठाया, अगर पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं की तो ऐसी वारदातें बढ़ती रहेंगी और फिर लोग खौफ में जीते रहेंगे। तो जरूरत है कि पुलिस इस पर ठोस कार्रवाई करे और जिस सिंटू की तलाश चल रही है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए। शुक्रिया आपका बहुत तमाम जानकारी के लिए मनोज। तो जमशेदपुर की यह वारदात, जहां ओलीडी में आपराधिक वारदात, देखिए आप ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, कैसे ये गैंग 6 लोग आते हैं और जिस पर गोली चलाई गुड्डू पांडे उसका भी आपराधिक इतिहास ही है। वर्चस्व की बात कही जा रही है कि वर्चस्व में ये वारदात हुई है, लेकिन इस तरह से खुलेआम किसी के घर में घुसकर 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग करने से आसपास के लोग काफी दहशत में हैं। हालांकि इस सिलसिले में आपको बता दें कि 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अपराधी जिसका नाम सिंटू बताया जा रहा है वो अब भी फरार है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।